फाइनेंशियल प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने एक बुक है माउंटन्स माउंटन्स मोल आउट ऑफ हिल्स, ये बुक का नाम है, लिखा है टेरेंस पी होलोरन, HALLORAN। ये बुक में एक ये एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने ये दिया कि फाइनेंशियल ट्रांसमिशन, ये एक वो हेडिंग दिया हुआ है, उसमें एक एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ कि एक एक ये आदमी है हॉस्पिटल में बेड पे ऊपर रहा है, और उसको ब्लड का बॉटल लगा है। तो अभी ये जो ब्लड का बॉटल है, ये ब्लड कभी उसको यूज में आएगा, कभी उसको रिक्वायर्ड रहेगा, क्या इन केस लगता है ऑफ आपको? बराबर, इमरजेंसी ना, इमरजेंसी लाइक, कभी एक्सीडेंट हो गया या शरीर में ब्लड चाहिए उसको यस, या ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन बड़ा करने के लिए। ऑपरेशन है, करेक्ट ये सब चीज के टाइम उसको ब्लड का जरूरत पड़ेगा। करेक्ट अभी ये जब भी ब्लड का जरूरत पड़ता है तो प्लानिंग से तो नहीं कर सकते, तो करेक्ट, इमरजेंसी में आ जाता है, इमरजेंसी में तो ये ब्लड उसको किधर से मिल सकता है? ब्लड बैंक से मिलेगा। बराबर है, और ये ब्लड बैंक में जो ब्लड आता है वो किधर से आएगा? नॉर्मल डोनर से ही आएगा। करेक्ट यानी जब भी ब्लड बैंक में आएगा, जमा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डोनर। तो जितने ज्यादा डोनर रहेंगे वो ब्लड बैंक में ये करेंगे, और ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा तो जब भी चाहिए तभी इमरजेंसी में मैं यूज कर सकता हूँ करेक्ट, जो भी चाहिए। अच्छा, ब्लड बैंक में एक ही टाइप का ब्लड रहेगा या अलग अलग, जो भी रिक्वायर्ड ब्लड है सब टाइप के ब्लड अलग रहेंगे? अलग करेक्ट, अलग अलग जो अलग अलग डोनर रहेंगे तो सबका तो अलग ए अलग पॉजिटिव बी पॉजिटिव लाइक दैट, जो भी जितने भी ग्रुप्स है उतने सब रहेंगे। सब रहेंगे। आपने एक सभी सोचा है सर, कि अगर मुझे मुझे या मेरे रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ब्लड का जरूरत पड़ा इमरजेंसी में, एकदम 5 मिनट में डॉक्टर ने बताया नहीं अभी आपको ब्लड का चाहिए जरूरत है, और आपके सामने आपको मालूम है ब्लड बैंक से मिल जाएगा, समझो ये ब्लड बैंक अवेलेबल भी नहीं था या अस्तित्व ही नहीं रहता था ब्लड बैंक का, तो क्या करते थे आप, क्या करना पड़ता है? भटकना पड़ता था, ढूंढना पड़ता था, रिलेटिव से इससे उससे पूछना बराबर है, तो पड़ता था। मुझे 5 मिनट में आपको ब्लड मिल जाता था? पॉसिबल पॉसिबल ही नहीं, ही नहीं, पॉसिबल ही या नहीं। जो ग्रुप चाहिए आपको वो ग्रुप के लिए और कठिनाई हो जाती थी, भले आपके रिलेटिव बहुत आएंगे, 10-15 रिलेटिव आ जाएंगे, पर मैच नहीं होता था तो क्या करता था? बराबर करेक्ट, कुछ नहीं होता था। तो बिकॉज ऑफ ब्लड बैंक आपको इजीली अवेलेबिलिटी है, सही राइट? बात है, सही बात है। सेम वे आपका फाइनेंशियली फ्यूचर में, आपके लाइफ में फ्यूचर में पैसे का जरूरत कभी कभी पड़ेगा, इन जनरल कभी बराबर, पड़ेगा। बच्चे की एजुकेशन, मैरिज हो गया, रिटायरमेंट हो गया, या कभी इमरजेंसी हो गया। करेक्ट, यानी जो भी अपने फाइनेंशियल जनरल रिक्वायरमेंट्स है, जो यानी कैसा रहता है, मेरा इनकम एक है और उतना ही मेरा साल का एक्सपेंसेस है, ये करेक्ट जनरल चलते जाए, पर ऐसे कई साल है, कई ईयर है, जैसे आपने बोला फाइनेंस एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, यानी हायर एजुकेशन के लिए, करेक्ट तो ऐसे कई ईयर रहते हैं जिसमें मेरा इनकम रहता है, पर इनकम से कई ज्यादा मुझे वो साल में फाइनेंशियल का जरूरत रहता है, मैं राइट और करेक्ट रॉन्ग? करेक्ट, सही बात है। क्या आपने ब्लड बैंक जैसा फाइनेंशियल पूल आपने बनाया है? करेक्ट, अगर आपके पास फाइनेंशियल पूल नहीं रहेगा, सोचा है आपने कि आपका या आपके फैमिली का क्या हाल हो सकता है या क्या करना करेक्ट पड़ेगा? करेक्ट। तो ये चीज को मैं वो ब्लड बैंक से रिलेट करके समझ सकता हूँ कि जहां वहां पर जितना भागना पड़ेगा यस, यहां पर भी मुझे उतना ही भागना भागना पड़ेगा। पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, और लोन कौन से एज में? आज मेरा एज जनरली अगर हम देखेंगे 50 to 60 एज में ये सब चीज का जरूरत पड़ता है, जो रिटायरमेंट के करीब है, करेक्ट, और वो टाइम पे मैं लोन लायबिलिटी लूंगा अच्छा है या आज से इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है? मुझे ब्लड बैंक जैसा एक फाइनेंशियल पूल बनाना कितना जरूरी है, ये करेक्ट। जब मैं ब्लड बैंक से रिलेट करता हूँ तो मुझे समझ में आता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जैसा ब्लड बैंक में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, वैसे आपके पास भी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग चीज होना चाहिए, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट? क्या इसका अभी कभी आपने एनालिसिस किया है? कितना ब्लड होना चाहिए, कौन कौन से टाइप का ब्लड होना होना चाहिए, चाहिए क्या मुझे मेरे फंड्स के लिए कितना फंड जरूरत है इन्फ्लेशन के हिसाब से, कभी करेक्ट एनालिसिस किया है? करेक्ट इन्वेस्टमेंट तो सब जन करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट में वो लेवल तक पहुंचता कि नहीं, क्या कितने जन करते हैं? क्या आपने करेक्ट, देखा है? फाइनेंशियल प्लानर वही करके देगा, बहुत बड़ी। और आपको एक फाइनेंशियल पूल बना के देगा जिसके कारण जब भी आपको जरूरत रहेगा आप उसमें से निकाल सकते हैं।
बहुत और जैसे अलग अलग डोनर रहते हैं वैसे इधर अलग अलग इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू LIC पॉलिसीज, थ्रू PPA, थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, एक पुल बनाएंगे और उसमें से। रियली मैं ये बुक पढ़ने के बाद मुझे वो उसमें से ये एग्जांपल बहुत मुझे अच्छा लगा जो मैं मेरे एजेंट को मैं एक्सप्लेन करूँ। वाकई में ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल पूल क्रिएट करने के लिए। आपके मन में ये ऑप्शन सुनकर क्या विचार आया, कैसा आपको फील हुआ, कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।